गुटबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर अंतर्कलह सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रैलियों में जनता से वादों पर शैलजा ने ऐतराज जताया है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि हुड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब उनकी अध्यक्षा कह रही है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, ना कोई मैनिफेस्टो बनाया है, तो लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हुड्डा साहब दिन रात झूठ बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तो यही तय नहीं है कि इनका लीडर कौन है, और कांग्रेस की तो सरकार आने वाली भी नहीं है। लोगों को इन्होंने झूठे ही वादे कर रहे हैं, पर हुड्डा साहब तो शर्म झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इनका भी महाराष्ट्र वाला हाल है, आप देख ही रहे हो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब ये आपस में ही बटे हुए हैं तो प्रदेश का क्या भला करेंगे। देखिए, ये तो उनके पूरे जीवन शैली में शामिल हो गया, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, एक परिवर्तन जरूर किया उन्हें कि वो कह रहे थे हम मोर्चा बनाएंगे इकट्ठा सारी पार्टियों को मिला के, तो सारी पार्टियों तो नहीं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग थे जो चार थे, उनके चार का तीन ने मिलकर एक मोर्चा बना लिया। अब एक कांग्रेस एक तरफ है और तीन लोग मिलकर एक दूसरी कांग्रेस अलग था, ए और बी कांग्रेस आएगी दोनों की दोनों, अब उनका मुकाबला चलेगा। और लोगों को पता कि जो पार्टी स्वयं में इकट्ठी नहीं है, चाहे वो परिवार इकट्ठा ना हो चाहे पार्टी इकट्ठी ना हो, तो वो घातक है, जनता के लिए घातक है। ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे तो वो जनता के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है जनता के? मैं आपको अपने यहाँ के एरिए की, अपने संसदीय सत्र की बात बताता हूँ कि कुमारी शैलजा जी यहाँ से MP थी और केंद्र में मंत्री भी थी, लेकिन कोई भी काम यहाँ होया नहीं है। अगर इनके कार्यकाल के 10 साल आप निकाल लो और इनसे कहो कि 10 साल में कुछ काम, 10 काम कहीं पूरी पूरी लोकसभा बता दे, तो पूरी लोकसभा में 10 काम बता नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग वो थे दोनों, तो इसलिए उन्होंने कोई काम नहीं दिया। तो नुकसान किसका रहा? कुमारी शैलजा का तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो जनता का होया। तो जनता ही पीड़ित रही, चाहे वो सड़कों की वजह से थे, चाहे और डेवलपमेंट के काम थे, चाहे किसी प्रकार, चाहे रोजगार के काम थे, उनसे जनता पीड़ित थी। तो ये सारे के सारे इसी प्रकार से हैं, जो जिसके हाथ में एक बार सत्ता आएगी तो वो दूसरे के कोई काम करने वाला नहीं है और उसको तबाह। अगर सबके काम करने, सबका साथ, सबका विकास करना और हरियाणा एक, हरियाणवी एक देखना, तो उस काम को केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का संगठन ही तैयार न हो वह प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री के भी अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई है। कांग्रेस पार्टी जो है वो माहौल बनाने के लिए इस तरह के जो है वो काम कर रही है, अदरवाइज जो है वो जनता को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष में काम हुए हैं वो सब जनहितैषी काम है और जनता उनसे बहुत खुश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कि अब धरातल पर वजूद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से उनका जो है उनके बारे में लोग अब थोड़ा सा बात करना शुरू करें, थोड़ी चर्चा करनी शुरू करें, तो इसलिए वो इस तरह का जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन माहौल उस तरह से बन नहीं रहा है। लोग सब समझते हैं कि जिस तरह से केंद्र में काम हो रहे हैं और जिस तरह से हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, तो लोगों को बहुत तसल्ली है, उससे लोग बहुत खुश हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात कि क्या साल 2024 से पहले हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी और घड़ेबंदी से बाहर निकल पाएगी या फिर इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनावों में भुगतना पड़ेगा। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी, चंडीगढ़ से रवि चंदेल और सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।